ओम शांति। मुरली का तारीख है 24/1/2021। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज 17/10/87। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने तोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रदान युग नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किनों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किनों के हर कर्म की पूजा होती है और किनों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इस सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणा के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में बोल में कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसीलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं जाते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां है बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं।
ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन वाणी कर्म कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटे को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया, वहां मेरी एम लक्ष्य ऐसे नहीं थी लेकिन हो गया, या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यहाँ भी चलाना है इसीलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। या अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है, यहाँ भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उन्होंने की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक सहज और सदा होगी, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प बोल कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया कर लिया हो गया, ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्य में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है अर्थात पूरे दिनचर्य की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्य प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्य में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से वहां कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्य के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्य में ऊपर नीचे होना या भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबर वार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचरी रहे या निर्मोही हो गए सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से चलन से औरों को हो, दृष्टि में मुख में हाथों में पावों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो पिक्चर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो, जैसे और प्रकार के पिक्चर्स वर्णन करते हैं वैसे या वर्णन करे कि इनके पिक्चर से पवित्रता दिखाई देती है, नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वहां फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्म की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है, गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना, बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन
गर्भारास करते तो मौज में आ जाते हो ना आजकल, मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अतक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन वह है स्थूल मौज, और यह ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे वह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी है। तो इनों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्का रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है, वहाँ ना दिन ना है रात, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहाँ है ना, बच्चों ने रूरिहान में कहा ना कि कब तक, बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार है तो अभी कर लेंगे, फिर कब का सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि या नाम डाले व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी ताली बजावे और टकाटक शुरू हो जाएगी। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और टकाटक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति एक तरफ व्यक्तियां, क्या देरी लगती। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है, हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर वन बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने लेकिन नंबर वन दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा दो के समान बने, चौथा तीन के समान बने, ऐसे तो समान बने। तो एक दो के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबर वार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है। बाप दादा तो सेकंड में ले जाते हैं, बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परिया आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार से सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पार्टियों से मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विदाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विदाता है उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विदाता के पास क्या है, भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विदाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई
उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारुण का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे, आज है कल है ही नहीं। विनाशी इच्छा क्या करेंगे, जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसीलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। या मकान, कार व पैसा साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म तक साथ रहेगा। यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म या श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विदाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। सेकंड पॉइंट, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए या खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है, दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला, तन में खुशी मिल गई तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसीलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा वरदान, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणदान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व के आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। श्लोगन, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति।